हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रोच लाइफ केयर हॉस्पिटल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस वीडियो को हम एक शॉर्ट डिटेल वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम जो भी इस आईपीओ से रिलेटेड पॉइंट है सिर्फ वही कवर करेंगे जो हमारे डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं इस आईपीओ के रिगार्डिंग, तो वो सारी डिटेल्स जो है मैं स्क्रीन पर लगा कर रखूंगी, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कंपनी के बारे में और भी डिटेल में जान सकते हैं। मैं सिर्फ आपको जो आईपीओ के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले चलते हैं कंपनी के बारे में जानने के लिए कि जो कंपनी है क्या क्या प्रोवाइड कराती है, क्या सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 2023 में। ये ऑपरेट करती है बुटिक हॉस्पिटल अंडर द ब्रांड नेम मेपल हॉस्पिटल एंड प्रोवाइड कराती है डेडिकेटेड 24 आवर्स सर्विस टू पेशेंट विथ हार्ट एलमेंट, जिसमें इंक्लूड है नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी सर्विस जैसे कि 2D एकोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोनोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट, होल्टर मॉनिटरिंग, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, स्ट्रेस टेस्ट एंड डाउट मेन स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। इस कंपनी का जो हॉस्पिटल है उसके पास 25 अल्ट्रा लग्जरी इन पेशेंट्स बेड है, जो इक्विप्ड है विद डायग्नोस्टिक डिवाइस फॉर वेरियस स्टेट्स। एंड ये जो कंपनी है वो प्रोवाइड कराती है हाई एंड कोरोनरी केयर एंड लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, जैसे कि इंट्रा एरोटिक बैलून पंप मशीन एंड वेंटिलेटर्स, डेफिब्रिलेटर्स। एंड ये जो हॉस्पिटल है वो सर्टिफाइड है विद NABH एज अ स्मॉल प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। एंड ये जो कंपनी है उसने रिसीव किया है सर्टिफिकेशन फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड फॉर द PACA सिस्टम एंड अ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट फ्रॉम लोकल रेगुलेटरी बॉडीज टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। ये जो हॉस्पिटल है वो मेंबर है ऑफ ग्लोब बायो केयर फॉर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की। एंड अगस्त 2024 तक कंपनी का जो हॉस्पिटल है वो एफिलेटेड है विथ 4 PSU इंश्योरेंस कंपनी, 15 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी एंड 8 थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। एंड 31 मार्च 2024 तक कंपनी के 19 एम्प्लॉयज है। चलिए अब जानते हैं इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में। ये जो आईपीओ है वो ओपन होने वाला है 13 अगस्त 2024 को एंड क्लोज होगा 16 अगस्त 2024 को। यानी 13 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसकी लिस्टिंग डेट की शेयर मार्केट में कब लिस्टेड होने वाले हैं वो है 21 अगस्त 2024, यानी 21 अगस्त 2024 को ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाएंगे। कंपनी ने जो इसका प्राइस बैंड रखा है, यानी कि जो आईपीओ का इश्यू प्राइस है वो है 25 रुपीज पर शेयर का। एक लोट में 6000 शेयर होने वाले हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है सिर्फ 4.02 करोड़ का ही है, सिर्फ 4 करोड़ के आसपास का ही इस आईपीओ का जो इश्यू साइज है। यानी इस आईपीओ में जो अलॉटमेंट होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो काफी ज्यादा ही कम है। और ये जो इश्यू है वो कैसा है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है वो होने वाली है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर और एक SME शेयर है। अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लोट के लिए और मैक्सिमम एक लोट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो इस आईपीओ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है रिटेल कैटेगरी का वो है 1,50,000 का। पर अगर आपको HNI से अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 2 लोट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसका अमाउंट होता है 3 लाख का। अब आईपीओ का रिजर्वेशन देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने कितने परसेंट से आईपीओ का रिजर्वेशन रखा गया है। तो जो रिटेल कैटेगरी है उसके लिए है 50% का आईपीओ का रिजर्वेशन एंड अदर के लिए 50% का आईपीओ का रिजर्वेशन। अब बात करते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। ये जो कंपनी है 2023 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, इसलिए जो हमारे पास फाइनेंस का डाटा है सिर्फ 31 मार्च 2024 का ही अवेलेबल है, उससे पहले का अवेलेबल नहीं होगा। तो उसमें जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें है एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और ये जो अमाउंट है वो हमें शो रहे हैं इन लैक्स में। तो जो एसेट्स है 31 मार्च 2024 को वो है 571.62 लैक्स की, यानी 5 करोड़ 71 लाख के आसपास इसकी एसेट्स है। रेवेन्यू है 2 करोड़ 60 लैक्स के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 69.76 लैक्स का। नेट वर्थ है 546.92 लैक्स का एंड रिजर्व एंड सरप्लस है 100.68 लैक्स के।
चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ 15.18 करोड़ की, यानी कि इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है, सिर्फ 15 करोड़ के आसपास की ही इस आईपीओ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। केपीआई एज ऑन 31 मार्च 2024 दे रखे हैं, जिसमें हमारे पास है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, और हमारे पास जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अभी नहीं दे रखा है। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 12.75%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 12.77%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 12.75%। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आपके 15 से 20 या फिर उससे ज्यादा है तो ही हम उसे प्लस पॉइंट में कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम उसे नेगेटिव पॉइंट में कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितना है, 12.75%, यानी कि 15 से कम है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 12.77%, यानी ये भी 15 से कम है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरह का नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो भी 12.75% है, यानी ये भी 15 से कम है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरह का नेगेटिव पॉइंट है। हमारे पास केपीआई फैक्टर में अभी डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं दे रखा है, जब हम इस आईपीओ की अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे तो अगर तब तक डेट टू इक्विटी रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसे हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो उसके लिए क्या कीजिए, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई अपडेशन वीडियो लेकर आऊं तो आप उन वीडियो से अपडेटेड रह सके। चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी की। 8 अगस्त 2024 को इसका जीएमपी था 0.0%, 9 अगस्त 2024 को भी इसका जीएमपी है 0.0%, यानी कि अभी इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ है। ये आईपीओ 13 अगस्त को क्लोज होने वाला, ओपन होने वाला है एंड 16 अगस्त को क्लोज होगा, तो अभी काफी ज्यादा दिन है। इस बीच में जो जीएमपी है वो काफी फ्लक्चुएट करेगा, हो सकता है कि काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, 100% से पार चला जाए, या फिर हो सकता है बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो वो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। अभी सिर्फ मैंने डिटेल्स कवर करी है आईपीओ के रिगार्डिंग, ताकि जब इस आईपीओ की अपडेटेड वीडियो लेकर आए तो वो जो वीडियो है वो ज्यादा लॉन्ग ना हो। शॉर्ट वीडियो में हम जो भी हमारा अपडेटेड जीएमपी है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस है एंड जो मार्केट कंडीशन है उसको बेसिस पे रखते हुए हमारा डिसीजन ले सके। तो जैसा कि अभी आईपीओ 16 अगस्त को क्लोज होने वाला है, तो हम 15 अगस्त को एक अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे इस आईपीओ के लिए, जैसा हमारा आईपीओ के लिए करते हैं। जब भी कोई आईपीओ नया आता है उसकी हम डिटेल वीडियो बनाते हैं, फिर लास्ट में जब आईपीओ क्लोज होता है उससे एक दिन पहले हम अपडेटेड वीडियो लेकर आते हैं। तो 15 अगस्त को हम इस आईपीओ के जब अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम एक तो अपडेटेड जीएमपी की बात करेंगे, सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करेंगे, क्योंकि इसका जो है हमारा डिसीजन पे काफी इफेक्ट पड़ता है, उसके साथ साथ मार्केट कंडीशन को देखते हुए और जो हमारी हमारी जो भी अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आज हमारे डेट इक्विटेशन नहीं दे रखा है, अगर तब तक उसकी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। और इन सबको बेसिस पे रखते हुए, मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, हम हमारा जो फाइनल डिसीजन है इस आईपीओ में अप्लाई करने का या फिर नहीं करने का, वो जो हम 15 अगस्त को वीडियो लेकर आएंगे अपडेटेड, उसमें डिसाइड कर लेंगे कि हमें इसमें क्या फाइनली डिसीजन लेना है। तो उस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी आगे अपडेटेड वीडियो लेकर आऊं या फिर कभी कोई नया आईपीओ आता है उसके लिए कोई वीडियोस लेकर आऊं तो आप उन वीडियो से अपडेटेड रह सके और आपको सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने के डिसीजन में हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।